हेलो हेलो यह इंडिया का नंबर चलिए सत्यवीर कुशवाहा जी प्रणाम ब्रजेश जी जम्मू आर्मी से भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप अपना इतना इम्पोर्टेंट समय निकाल के आते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं लालू जी गुड इवनिंग राम बिलास जी जय हिंद ममता जी जय हिंद विनोद कुमार जी गुड इवनिंग प्रवीण कुमार जी जय हिंद रंजन सिंह जी राम राम उमेश शर्मा राधे राधे सभी को राधे राधे राम राम सत श्री अकाल आदा तो एक बार सभी लोग आ जाए जुड़ जाए फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं गुड इवनिंग राम बिलास तो जैसा कि आप सब जानते हैं यह क्लास आठ बजे आप लोगों को मिलती है बीच में बंद हो चुकी थी नहीं आ पा रही थी किसी कारण बस थोड़ा सा व्यस्तता था इस वजह से लेकिन आज के बाद ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है और ये प्रैक्टिस सेट अब चलता रहेगा और ये चलता क्योंकि मैंने आप लोगों से ही पूछा था कि आप लोगों की छूरी की क्लास चाहिए या आपको प्रैक्टिस क्लास चाहिए तो मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं दिखा इसलिए भी मैंने भी क्लास को उतना ज्यादा इस वजह से हम इसीलिए क्लास नहीं ले आ रहे थे बाकी आज जो है आप लोगों की एक अच्छी खबर है कि परीक्षा नियंत्रक की जो पोस्ट थी वो भर गई है परीक्षा नियंत्रक मिल गए हैं इसलिए पूरी संभावना है आपकी जो ये यूपी टीजीटी की वैकेंसी है यह जो है दिसंबर तक हो जाएगी कब तक यह जो है दिसंबर तक होने की पूरी पूरी संभावना है शत प्रतिशत संभावना अब हो गई है इसलिए आज से ही अब तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग अब अगर आप लोग नहीं शुरू करेंगे तो बाद में बहुत पश्चाताप करेंगे उस पश्चाताप का आपको कोई फायदा नहीं होगा तो चलिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है तो आज हम अपने पहले प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं श्री शाय कर रहे हैं यूपी टीजीटी और एलटी को ध्यान में रखते हुए ठीक है तो चलिए सभी लोग आ जाए गीता देवी गुड इवनिंग राहुल पांडे जी प्रणाम लक्ष्मी पटेल जी नमस्कार चलिए तो इसके साथ ही साथ जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने WhatsApp चैनल को फॉलो नहीं किया है या उससे जुड़े नहीं हुए हैं वो लोग इस स्कैनर के थ्रू वो चैनल को क्या कर सकते हैं चैनल से जुड़ सकते हैं जिस क्योंकि वहीं पे आपको डेली क्लास नोट्स आपको अब वहीं मिलेगी वैकेंसी अपडेट या न्यूज वो भी वहां पे मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जाम से रिलेटेड वो अभी वहां मिलेंगे तो आप इस स्कैनर के थ्रू आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि टेलीग्राम धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें आज जो है कोर्स ऑफ द डे जो बच्चे थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि सर फीस नहीं है ये नहीं उन सब के लिए आज कोर्स ऑफ द डे है तो हमारी संस्था जो है प्रत्येक दिन कोर्स ऑफ द डे लाती है तो आज का जो कोर्स ऑफ डे है वो बीपीएससी के लिए है बीपीएससी जिसके लिए आप सब बहुत परेशान होते हैं और बीपीएससी का फर्स्ट पेपर जो कि जीएस का होता है उसके लिए आप परेशान होते हैं तो ये आपको मिल जाएगी जो कि बहुत कम फीस में चार सौ निन्यानवे रुपए में ही है तो आप इससे जुड़ सकते हैं इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता बैच है हर सब्जेक्ट की प्रत्येक सब्जेक्ट की वो चाहे आपका फिजिकल एजुकेशन हो चाहे आपका केमिस्ट्री हो चाहे आपका मैथ हो चाहे आपका फिजिक्स हो हर सब्जेक्ट की आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की इन सब की जो है स्वतंत्रता बैच प्रारंभ है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना टू नाइन वन पे संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं तो चलिए हम देर न करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से न्यूरॉन के प्रकार कौन सी नहीं है इंटरमीडिएट मोटर स्टैटिक एन सेंसरी बताएं क्या होगा जल्दी से बता कुमारी जूत गुड इवनिंग कुमारी सृष्टि गुड इवनिंग जयनू मौर्य प्रणाम वंदना जी गुड इवनिंग मधु यादव राधे राधे अरुण कुमारिया गुड इवनिंग सत्यवीर कुशवाहा जी चलिए प्रवीण सिंह ममता राव तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो याद रखिएगा आपकी होती है, का कलर आपकी जो है होती है मोटर स्टैटिक न्यूरोन सेंसरी uh, न्यूरॉन्स होती है लेकिन होती क्या नहीं है स्टैटिक न्यूरॉन्स नहीं होती है अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि ये जो न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स होते हैं इनका कार्य क्या होता है जैसे है जैसे सेंसरी तो सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी चीज सेंस वाली है जैसे प्रकाश हुआ ध्वनि हुआ इनका जो उद्दीपक होता है स्टूमिलेंट होता है या स्टूमिलेंट क्या करता है या संवेदक होता है और यही क्या होता है यही जो है विद्युत आपके संकेतों में बदलता है जनरेट होता है और यह कहां तक जाता है आपके सेंसरी न्यूरॉन आपके मस्तिष्क तक जाता है कहने का मतलब जैसे आप कोई चीज है अब ताप है मान लो कोई चीज लोहा गरम है अब उसको तुम जैसे ही टच करोगे तो वो क्या करेगा वो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेगा यहाँ जो आपके हाथों में है जो सेंसरी क्योंकि आपका क्या है हाथ कान नाक मुख त्वचा जो ये होती है या क्या है या ज्ञानेन्द्रीय है तो इससे जो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जो इसको टच किया गया इसको बताया गया कि भाई जल रहा है तो इसको हाथ हटाना चाहिए तो ये क्या होगा तुरंत ये क्या हाँ तक जाएगा आपके मस्तिष्क तक जाएगा और मस्तिष्क से फिर एक इम्पल्स भेजेगी आपके हाथ तक उस हाथ तक किसको अब हटा लो यही होता है आपका क्या सेंसरी न्यूरॉन फिर अगर मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें क्या होता है जो नर्व सेल होती है जो मसल को इलेक्ट्रिक इं, इंपल्स भेजती है जिसके द्वारा मूवमेंट होता है हमारी शरीर गति करती है उस न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं क्या मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होती है ये जो है जो न्यूरॉन्स के बीच की जो कड़ी होती है वह होती है तो याद रखना लेकिन न्यूरॉन्स किसी भी प्रकार का कहीं भी आपने नहीं पढ़ा होगा ठीक है ना तो अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा आंसर नंबर सी होगा चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया सिगमन फ्रेड ने रेनी डिस्कॉटर ने न्यूरल ने रोडाल्फ गोय ने किसने प्रयोग किया अब परेशान नहीं होना यह क्लास डेली आपको इसी टाइम पे मिलेगी ठीक है ना चलिए बताइए क्या होगा तो अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से कि मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो याद रखना यह या प्रयोग सर्वप्रथम जो है आपके ने किया था किसने किया था रोडाल ने आपका क्या किया था यह जो शब्द है जो, जो मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द की बात करता है कि सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था तो रोड गोयकिल ने प्रयोग किया था या आप क्या करोगे याद रखोगे अब मनोविज्ञान की अगर बात करें कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइको लॉजी दो शब्दों वर्ड से मिलकर बना है तो ये जो दो वर्ड से मिलकर बना है उसी को हम क्या कहते हैं साइकोलॉजी कहते हैं साइको का मध्य मतलब क्या होता है अब यह भी पूछता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है तो याद रखना यह जो मनोविज्ञान है किस भाषा का शब्द है तो याद रखना लैटिन भाषा का शब्द है किस भाषा का लैटिन भाषा का शब्द है उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जो साइकी होता है साइकी का मतलब क्या होता है तो साइकी का मतलब होता है आत्मा क्या होता है आत्मा होता है उसके बाद में अगर मैं बात करूं लॉगस का मतलब क्या होता है अध्ययन होता है याद रखना मनोविज्ञान के पिता किसको कहा जाता है यह भी याद रखना मनोविज्ञान का पिता किसको कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का पिता या मनोविज्ञान का पिता की बात आएगी तो वह कहा जाता है विलियम बुंट को कुछ लोग इसको सिगमंड फ्रायड भी बताएंगे लेकिन ये बात जान लीजिए अगर सिगमंड फ्रायड के चक्कर में पड़े रहेंगे तो वहां पे आप गलत कर देंगे क्योंकि सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण का पिता कहा जाता है याद रखना इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक क्या पहली पुस्तक किसने लिखी थी तो पहली पुस्तक की जब भी बात आएगी तो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक विलियम जेम्स में ने लिखी थी किसने विलियम जेम्स ने किसने लिखा था तो याद रखना मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक थी वह किसने लिखा था वह जो है आपका विलियम जेम्स ने लिखा था याद रखना इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना, माना, तो माना, माना जाता है किसका विज्ञान आज पूछता जाता है कि आधुनिक में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है को आधुनिक युग का आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है तो याद रखना व्यवहार का विज्ञान माना जाता है किसका विज्ञान माना जाता है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है याद रखना यह तो अगर खेल मनोविज्ञान में हम चलें तो खेल मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं यह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शाखा है खेल मनोविज्ञान जो होती है वह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा होती है जो किससे होती है प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन और उसके व्यवहार से संबंधित होती है यह वह विज्ञान होता है जो प्रदर्शन को क्या करता है बेहतर करने का काम करता है उसे बढ़ाने का काम करता है दबाव को कम करने का काम करता है और खेल में खेल मनोविज्ञान का पिता किसको कहा जाता है तो याद रखना कॉलमैन ग्रिफिथ को किसको कॉलमैन ग्रिफिथ? ठीक अगर इसके अलावा और भी आप जानना चाहोगे कि मनोविज्ञान क्या होता है तो या यह पूछेगा कि आपका कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान के लेखक अगर शिक्षा मनोविज्ञान में चला जाएगा यह तो मनोविज्ञान है कभी कभी शिक्षा मनोविज्ञान से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के लेखक व जनक किसको माना जाता है तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है थांडाइक को माना जाता है यह याद रखना है आप ठीक है ना चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी उत्तोलक के बल आधार था भार के बीच होता है प्रकार फर्स्ट व सेकेंड प्रकार फर्स्ट प्रकार सेकेंड एवं प्रकार थर्ड बताओ क्या होगा अखिलेश यादव गुड इवनिंग भैया सोनू कुमार गुड इवनिंग लोगेंद्र कुमार भैया जय हिंद गोविंद यादव जी जय हिंद चलो क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर कर दो भाई अब क्लास बराबर होगी अभी तक पहली क्लास बहुत दिनों बाद आई इस वजह से आप लोग को पता नहीं होगा तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों तक ये क्लास को पहुंचा दो ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल पहले आत्मा का विज्ञान फिर मन का विज्ञान फिर चेतना का विज्ञान और आज किसके साथ रह रहा है मनोविज्ञान व्यवहार के साथ रह रहा है ठीक है ना ये कथन मैंने बताया था किसने कहा है चलो अब अगर मैं लीवर की बात करूं तो यह जो उत्तोलक है या लीवर या फिजिक्स से संबंधित है एंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स आप पढ़ोगे वहां पे तो लीवर तीन प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के या लीवर जो है तीन प्रकार के होते हैं तीनों को केवल एक चीज याद रखना यह जो सेंटर में होता है इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्सिस इधर आप दे लो भार या वेट और इधर क्या करोगे इधर आप शक्ति स्ट्रेंथ पावर कुछ भी लगा लो ठीक है ना तो इधर इसको या तो रेजिस्टेंस भी भार को क्या लिख सकते हो आप रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो और इधर आप क्या रखोगे इधर आप रखोगे बल पावर शक्ति कुछ भी रखो ठीक तो जब बीच में रहता है तो यह किस रूप में काम करता है यह जो है संतुलन के रूप में काम करता है और जब संतुलन के रूप में काम करता है मतलब प्रथम प्रकार का यह उत्तोलक होता है द्वितीय कंडीशन में बात करूं तो अब एक्सिस को हटा के किनारे कर दो एक्सिस को मैंने रख दिया किनारे ठीक और बीच में मैंने क्या कर दिया बीच में मैंने भार को कर दिया और या रेजिस्टेंस को कर दिया और इधर क्या कर दिया मैंने बल कर दिया फोर्स कर दिया आपका स्ट्रेंथ कर दिया कुछ भी मान लो तो इधर मैंने बल कर दिया अब जब एक्सिस किनारे हो गया तो यह किस प्रकार का उत्तोलक बन गया यह बन गया द्वितीय प्रकार का उत्तोलक अब देखो एक बार एक्सिस बीच में था एक बार रेजिस्टेंस बीच में था अभी तक बीच में क्या नहीं आया बल नहीं आया तो मैं क्या करूंगा अब बल को बीच में ला दिया मतलब फोर्स बल को मैंने क्या किया बीच में ला दिया इधर मैंने क्या रख दिया एक्सिस रख दिया और इधर मैंने क्या रख दिया इधर मैंने रजिस्टेंस रख दिया अब जब एक्सिस बल कहां आ गया बल आपका बीच में आ गया तो जब बल बीच में है यही कह रहा है कि उत्तोलक बल जो है आधार था भार के बीच में हो तो ये आधार हो गया ये आपका क्या हो गया ये भार हो गया इन दोनों के बीच में बल हो गया मतलब यह द्वितीय प्रकार हो गया प्रथम प्रकार तो यह क्या हो जाएगा तृतीय प्रकार का उत्तोलक जो कि खेल में सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है जैसे हॉकी की स्टिक क्रिकेट की बैट इन सब सब में नाव खेने में इन सब में क्या होता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक प्रयोग में आता है याद रखना तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा ठीक उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी चलो किस विख्यात हॉकी खिलाड़ी द्वारा गोल्डन हैट है सॉरी गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई सिंह जी गुड इवनिंग योगेंद्र कुमार जी हम डेली कहते हैं आप तो सही कह रहे हो समस्या है जब मैंने आप ही लोगों से ने पूछा था मैंने क्या बोला था उस दिन भी बोला था आपका रिस्पांस बताएगा कि क्लास डेली होगी या कभी कभार होगी आपके ही रिस्पांस पे मैं डिपेंड करता हूं आपका जैसा रिस्पांस रहेगा मैं उस प्रकार से काम करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ोगे उस हिसाब से चीजें होंगी मैंने आप ही लोगों से पूछा था कि कौन सी क्लास चाहिए तो ना तो आप लोगों का कमेंट बहुत कम लोगों का आया गिने चुने लोगों का कमेंट आया हम्म लेकिन अब परेशान न हो अब डेली रहेगी क्लास अब डेली ही रहेगी हम्म जो भी है सारे लोग जुड़ जाए अब क्लास डेली रहेगी किस विख्यात हाँ की खिलाड़ी द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई अजीत पाल ध्यानचंद बलवीर सिंह सुरजीत सिंह बताओ तो तो याद रखना बलवीर सिंह की पुस्तक है क्या बलबीर सिंह की पुस्तक है गोल्डन हैट्रिक क्या है गोल्डन हैट्रिक की जब भी बात आएगी कि गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक किसने लिखी तो याद रखना गोल्डन हैट्रिक जो है वह जो है आपके किसकी पुस्तक है बलबीर सिंह की इसके अलावा और कुछ पुस्तकों का नाम मैं बता देता हूं ध्यानचंद की अगर मैं बात करूं तो ध्यानचंद का क्या है गोल क्या है गोल पूछेगा गोल नामक पुस्तक किसने लिखी तो गोल नामक पुस्तक ध्यानचंद ने लिखी थी याद रखना इसके अलावा द रेस ऑफ माय लाइफ क्या द देखो यूपी टीजीटी ये सब क्वेश्चन जरूर डालता है एक दो और इसी में लोग रुक जाते हैं क्योंकि बाकी चीजें तो आप जो सब जगह देख रहे हो वो देख रहे हो ये सब चीजें सब जगह नहीं पूछता ये कॉमन चीजें जो है ये यूपी टीजीटी में ही डाला जाता है और ये सारी चीजें पूछी जाती हैं बाकी देखो इसीलिए बोलता हूं ना देखो एक अगर आप पेपर समझ गए और पेपर के बाद अगर आप क्वेश्चन समझ गए अरस्तु कहते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो मतलब आपने क्वेश्चन का उत्तर आधे से 50 परसेंट से ऊपर आपने क्वेश्चन का उत्तर समझ लिया ये अरस्तु जी कहते हैं तो इसीलिए और मैं कहता हूं वो तो अरस्तु जी कह के चले गए और मैं कहता हूं अगर आप हर स्टेट के हर एग्जाम के पेपर में अगर आपने डिफरेंस करना सीख लिया जितने भी एग्जाम फिजिकल एजुकेशन के हैं अगर उनमें के पेपरों में अगर आप डिफरेंस ने करना सीख गए कि कहा क्या पढ़ना है कहा क्या नहीं पढ़ना है उस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ये मैं बोलता हूं लिख लो कहीं नोट कर लो जैसे ऐसे लिख लेना कहीं ठीक है ना तो अगर मैं बात करूं ध्यानचंद की पुस्तक का नाम तो ध्यानचंद की पुस्तक का नाम गोल है इसके बाद में अगर मैं बात करूं द रेस ऑफ माई लाइफ द रेस ऑफ माई लाइफ अगर द रेस ऑफ माई लाइफ की बात करें कि यह किसने लिखी तो यह लिखा मिल्खा सिंह ने किसने मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह ठीक उसके बाद में अगर मैं बात करूं अनब्रेकेबल यह भी बहुत पूछा जाता है अनब्रेकेबल तो अनब्रेकेबल किसने लिखा है एमसी मैरी कॉम ने ठीक उसके बाद में अगर मैं बात करूं चीज नहीं के होगा कौन ठीक उसके बाद में प्लेइंग इट्स माई वे प्लेइंग इट्स माई वे यह किसने लिखा है यह लिखा है सचिन तेंदुलकर एंड बोरिया मजूमदार ने ठीक उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से अ शॉर्ट एट हिस्ट्री क्या अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्जर्व जर्नी टू तो यह किसने लिखा है अट एट हिस्ट्री यह लिखा है आपके अभिनव बिंद्रा ठीक इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एस अगेंस्ट ओट्स क्या एस अगेंस्ट ओट्स यह किसने लिखा है तो याद रखना सानिया मिर्जा ने लिखा है प्लेइंग टू विन क्या यह अभी कई बार पूछा गया है प्लेइंग टू विन यह किसने लिखा है तो प्लेइंग टू विन लिखा है सानिया नेहवाल ने सानिया मिर्जा किसकी प्लेयर है वो है टेनिस की और सानिया नेहवाल किसकी प्लेयर है वो है बैडमिंटन की ठीक है ना असर नवाब जोको ब्रिज ने लिखा है लिखा है तो अनिल ने लिखा है वाइड एंगल वन सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखा है, तो है, किस है? सौरभ गांगुली ने लिखा है याद रखना ठीक इसके अलावा अगर मैं बात करूं नो स्पिन माय ऑटोबायोग्राफी सेनवॉर्न की यह बुक है याद रखना ठीक इसके अलावा एक बुक और याद रखना उस बुक का नाम है अनगार्डेड मिताली राज की है है इसको जरूर याद रखना ठीक है ना तो इन बुकों को आप जरूर याद रखेंगे जिनका मैंने अभी तक जिक्र किया है चलो लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित हुआ क्रॉस वेबर शक्ति परीक्षण रोगर शक्ति परीक्षण ब्रूस व उनके साथी डिक नेड़ा परीक्षण बताओ चलो भाई बताओ क्या होगा गोविंद कुमारी ज्योति दिनेश कुमार ममता कुमारी गुड इवनिंग राधे राधे गीता देवी मधु यादव मनीषा रवि गौतम गुड इवनिंग चलो बताओ क्या होगा सभी लोग बताओ जल्दी से पांचवें का ए ए ए अब तक तीन चार लोगों का आंसर आ चुका है पांच लोग छह लोग बताते चलो भाई जल्दी से सारे लोग आंसर दो अरे गलत होगा तो क्या होगा गलत होगा उसी के लिए तो हम बैठे हैं गलत को सही करने के लिए अब आप बताओ ही नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित किया जाता है तो याद रखना क्रॉस वेबर शक्ति परीक्षण यह जो क्रॉस वेबर टेस्ट होता है यह हमारे क्या होता है न्यूनतम शक्ति के लिए भी होता है यह जो क्रॉस वेबर टेस्ट होता है यह न्यूनतम शक्ति के लिए भी यह होता है आपका ठीक है ना स्ट्रिक स्टेट्स से व्यक्ति के मांसपेशियों का जो समूहों की जो न्यूनतम शक्ति होती है कम शक्ति होती है वह लचक को इन दोनों को नापा जाता है किससे क्रॉस वेबर शक्ति परीक्षण से और इसको लो बैक पेन का निदान व उपचार के लिए भी इसको हम परीक्षण को नाप करते हैं तो यह भी आप याद रखोगे ठीक चलो छह नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा योग शुद्धि से संबंधित है भक्ति योग राज योग हठ योग कर्म योग बताओ जल्दी से मैंने आपको कई बार बताया है देखो भक्ति योग की बात करें तो भक्ति शब्द आपके किससे बना है भज से आया है किससे भज से आया है जिसका अर्थ होता है भगवान से क्या करना भगवान से जुड़ा होना अर्थात जागृति एवं क्या एकाग्रता करने का जो उत्तम योग होता है वह होता है कौन सा भक्ति योग भक्ति योग से क्या होता है जागृत एवं एकाग्र का उत्तम योग यही होता है यह आप याद रखना राजयोग की अगर मैं बात करूं तो राजयोग वह होता है जो मन की चंचलता क्या आपके मन की चंचलता को समाप्त करता है ठीक इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से जो तो हठ योग होता है यह जो है योग पर शारीरिक व श्वसन नियंत्रण प्रणाली इन दोनों पर निर्भर होता है इसके साथ ही साथ यह जो होता है शुद्धि से भी संबंधित होता है जो सटकर्म होता है वह सटकर्म भी या अष्टांग योग जो होता है यह अष्टांग योग भी हठ योग के अंतर्गत आता है किसके अंतर्गत आता है हठ योग के अंतर्गत ही आता है यह सारी चीजें इसी को ही हम क्या कहते हैं पूर्ण योग कहते हैं क्या कहते हैं पूर्ण योग कहते हैं इसी के अंतर्गत क्या आता है अष्टांग योग आता है अष्टांग योग में आठ क्रियाएं होती हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि और इसको सीक्वेंस में याद रखो कि सीक्वेंस में कैसे होते हैं नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि क्योंकि यह पूछ लेता है पांचवा अंग कौन सा है छठा अंग कौन सा है सातवा अंग कौन सा है आठवां अंग कौन सा होता है कोई भी अंग उठा के पूछ लेगा किनमें से कौन सा पांचवा अंग है तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो उससे अगर क्वेश्चन मिला के भी दिए तो आप अगर इसको बाई ऑप्शन बना दे देगा ए सही है ए बी सी सही है ए बी सी डी सही है या मिलान वाला बनाएगा तो बना देगा यम नियम आसन एक तरफ एक तरफ देगा पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे दे देगा और आपको क्या होगा आपको उसको मिलान करना होगा तो जब याद रखोगे तभी ना आप घबरा जाते हो कि सर एक क्वेश्चन में मिलान दे दिया इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया ये पूछ लिया वो पूछ लिया अरे भाई जब तुम पढ़े रहोगे जब चीजों को सही से सीखे रहोगे तो मिलान दे चाहे कुछ भी दे घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम होता है हठ योग हो गया हठ योग के बाद में अगर आपको बात करें कर्म योग की तो कर्म योग मतलब ये तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ही कहे हैं चिक् मरे वाधिकार अष्टे माँ फलेश कदाचन आ, तो वही बात है कि कर्म करो ठीक है ना तो कर्म योग से बड़ा तो कोई योग नहीं है क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कर्म योग करना चाहिए अगर आप चद्दर तान के सोए पड़े हो अगर आप क्या कर रहे हो आप अभी घूम ही रहे हो कि यूपीटीजीटी की वैकेंसी जो है भर दिए हैं फॉर्म दो साल हो गया अगर पेपर नहीं हुआ तो अब क्या पेपर होगा या बीपीएससी का फॉर्म भर दिए हैं ये सोच रहे हैं कि बीपीएससी का जब पेपर होगा तब हम पढ़ेंगे या सर तो यूपीटीजीटी का करा रहे हैं इसमें हम क्यों पढ़े तो ऐसा कुछ नहीं है जब आप इतना ज्यादा दिमाग लगा दोगे इतना ज्यादा सोच में बैठ जाओगे तो यही होगा इसलिए कर्म करो अपना कर्म से कभी पीछे मत हटो कर्म अगर आप करते रहोगे तो जायज सी बात है आपको चीजें क्या होंगी आपको सफलता जरूर निश्चित है कहा जाता है देखो एक बेरोजगार इंसान या एक वो शख्स एक स्टूडेंट की जिंदगी में किस्मत तो होती नहीं है ये या हमेशा याद रख लो होता है किस्मत सफलता दो चीजों से मिलती है एक किस्मत से दूसरा आपके कर्म से अगर आपके पास किस्मत नहीं है आप भी मान लियो किस्मत नहीं है तो आपके पास बचा क्या है कर्म बचा है इस कर्म को करो अगर इस कर्म को कर जाओगे ना तो सफलता सुनिश्चित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी होगा याद रखना चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है खेलों के पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था काल ब्रुस ने जो स्टैनली हॉल ने मैकडूगल ने सिगमंड फ्राइड ने किसने किया था जल्दी से बता दो खेलों के सिद्धांत से एक क्वेश्चन जरूर आएगा ये आप जान के रखिए खेलों के सिद्धांत से एक क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी में एक से दो क्वेश्चन जरूर आएगा और हर बार आता है तो ऐसा नहीं है कि अब की बार नहीं आएगा ये तो अपने दिमाग से आप लोग निकाल दें कि अब की बार नहीं आएगा आएगा जरूर ठीक देखो अगर मैं खेलों के सिद्धांत की बात करूं तो देखो एक होता है अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत इसको किसने दिया है तो आप क्या बताओगे अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया है आपका ये जो अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत है हर्बर्ड इस, स्पेंसर और सीले नामक ने मतलब कि मनोवैज्ञानिक ने लिया था अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत ठीक है ना याद रखना इसके अलावा अब अगर हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो वह इंग्लैंड के थे और फेडरिक व्यान स्टेलर की बात करें तो वो जर्मन के थे ठीक है ना उसके बाद दूसरा आता है भविष्यदर्शी का सिद्धांत भविष्य धरती के सिद्धांत को ही हम पूर्वाभ्यास अथवा तत्परता के सिद्धांत के नाम से जानते थे और अगर मैं बात किसको किसने दिया है ग्रुस ने ग्रुस ने कौन सा दिया है तो याद रखना भविष्यदर्शी की धारणा इसका मतलब यह है कि बच्चे को आप देखेंगे वह किस कैरेक्टर में जी रहा है तो उससे आप उसके भविष्य को आप इससे सुनिश्चित कर सकते हो या एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बात वह भविष्य में यह बनेगा ठीक अब आता है मनोरंजनात्मक या शिथिल धारणा की बात करता है कि रिग्रेशनल थ्योरी क्या होती है यह जो होता है यह दिया था लेजॉस और लॉर्ड केम्स तथा तो जी डी डब्ल्यू पैट्रिक मेन आपसे पूछता है कौन कौन मेन आपसे पूछा लॉर्ड केम था जी पैट्रिक इन्होंने क्या दिया था मनोरंजन या शिथिलन धारणा का सिद्धांत इसी ने ही दिया था फिर आता है आपका क्या पूर्व अवलोकन का सिद्धांत पूर्व अवलोकन की सिद्धांत की बात करें तो स्टेनले हॉल जी स्टेनले हॉल ने किस दिया था पूर्व अवलोकन का सिद्धांत इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपके जो आपके अरस्तु हैं, उन्होंने कौन सा दिया था तो याद रखना विरेचन का जो सिद्धांत है वह अरस्तु ने दिया था और ये बहुत बार पूछा जाता है यह इसका नाम बदल के पूछा जाता है कैथरेटिक सिद्धांत किसने दिया था तो यह जो कैथरेटिक सिद्धांत है यह आपके अरस्तु ने दिया था याद रखना मनोविश्लेषण की बात आएगी कि मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था तो सिगमंड दिया था या आपके क्या मनोविश्लेषण सिद्धांत अब बचा केवल एक ही बात ये कि, किसने दिया था मनो विश्लेषण सिद्धांत ठीक अब बात आ गई आपकी केवल और केवल एक ही बचा और वह क्या बचा है आपका वह बचा है आपका केवल और केवल पुनरावृत्ति सिद्धांत और यह पुनरावृत्ति सिद्धांत आपका किसने दिया था तो आप क्या बताओगे कि पुनरावृत्ति सिद्धांत आपका किसने दिया था तो पुनरावृत्ति सिद्धांत अब आप सब जान गए होंगे कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत आपके आ, आ, किसने दिया था तो जी स्टैंडली हॉल ने ही दिया था अवलोकन का सिद्धांत या पुनरावृत्ति का सिद्धांत तो याद रखना जी स्टेनले हॉल ने दिया था ठीक इसी को पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं ठीक है ना चलो आगे चले पुनरावलोकन का सिद्धांत या पुनरावृत्ति का सिद्धांत इसको कहते हैं यह जो है जी स्टेनले हॉल और विलियम मोन्ट यहां पे अगर जी स्टेनले हॉल के अलावा अगर कोई और देगा मान लो जी स्टेनले हॉल ऑप्शन में नहीं है तो क्या देगा विलियम बुंट ने विलियम बुन्ट देगा 1906 में इन्होंने किया था देखो आजकल सन भी पूछ रहा है तो इसे भी याद रखना 1906 में आपका जी स्टेनली हॉल ने दिया था और विलियम बुंट की बात करें तो विलियम बुंट ने 1913 में इसकी चर्चा की थी तो याद रहे ठीक है ना इसी को क्या कहा जाते हैं पुनरावलोकन या पुनरावृत्ति की धारणा बोला जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है पुनःअवलोकन या पुनरावृत्ति की धारणा जी स्टेनले हॉल ने दिया था चलो अगले की बात करते हैं नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था बताओ जल्दी से तो याद रखना डॉक्टर के एल श्रीमाली के द्वारा किसके द्वारा दिया गया था तो याद रखना के एल श्रीमाली के द्वारा किया गया था ठीक चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हंड्रेड मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है पांच सेकेंड दस सेकेंड तेरह सेकेंड पंद्रह सेकेंड बताओ चलो बताओ क्या होगा तो अगर मैं इसकी बात करूं कि 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है तो 100 मीटर दौड़ में वायु का जो वेग है वह 10 सेकंड के लिए नापा जाता है कितने सेकंड के लिए तो याद रखना 10 सेकंड के लिए नापा जाता है अब हमें कमेंट करके बता दो 5 सेकंड का समय किस गेम के लिए नापा जाता है वाइव का वेग पांच सेकेंड किसके लिए नापा जाता है ठीक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फोर इंटी फोर इंटू फोर हंड्रेड मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए कितनी स्ट्रेगर दूरी होगी बताओ तो याद रखना दस दसमलव पांच सात मीटर या दस दशमलव पांच सात मीटर होता है दूसरी लेन की ठीक है ना अगर मैं बात करूं कि फोर इंटू फोर हंड्रेड मीटर रिले को किस सन में इवेंट के रूप में ओलंपिक में शामिल किया गया तो याद रखना उन्नीस सौ बारह किस सन में उन्नीस सौ बारह स्टाक होम क्या स्टाक होम में एकमात्र इवेंट के रूप में ओलंपिक में पेश किया गया था जबकि महिलाओं का उन्नीस सौ किसकी सॉरी उन्नीस महिलाओं का ठीक महिलाओं को उन्नीस में और पुरुषों को उन्नीस सौ बारह स्टॉक होम में शामिल किया गया था याद रखना ठीक है ना रिले दौड़ का जो अंतिम रनर होता है उसको हम क्या कहते हैं यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो अंतिम जो धावक होता है अंतिम धावक जो होता है यह कई बार पूछा गया है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम एंकर कहते हैं क्या कहते हैं एंकर कहते हैं यह या आप याद रखना ठीक अगर मैं बात करूं कि पुरुष और महिलाओं के लिए क्या होते हैं दो रिले रेस होते हैं एक होता है आपका फोर इंटू हंड्रेड मीटर और एक होता है फोर इंटू फोर हंड्रेड मीटर होता है यह भी पूछा जाता है कि एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो याद रखना एक टीम में खिलाड़ी की संख्या जो होती है वह कितनी होती है वह होती है आपकी कितनी चार होती है और यह क्वेश्चन पूछा गया है ये मारस में पूछा गया है कि कितने प्लेयर्स तो होते हैं याद रखना एक चीज और याद रखना कि एथलीट को एक बेटन का आदान प्रदान दूसरे से करना पड़ता है या जो एक स्टिक होती है उसका नाम क्या होता है तो उसको हम कहते हैं बेटन और उस बेटन का वजन कितना होता है यह भी कई बार सीक्वेंस वाइज दे देता है या मैच करने के लिए दे देता है जब उसको एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनाना होता है आपके दिमाग को जानना होता है तो वह मैच वाला क्वेश्चन देता है ठीक है ना तो वह याद रखना कि बेटन का वजन कितना होगा तो वह याद रखना पचास ग्राम होता है बेटन की लंबाई कितनी होती है तो लंबाई बेटन का होता है अट्ठाईस से लेके सेंटीमीटर तक इसका क्या होता है इसका लंबाई होता है इसके अलावा इसमें अगर एक्सचेंज जोन पूछ ले क्या एक्सचेंज जोन पूछ ले तो देखो पहले क्या होता था पहले एक्सचेंज जोन और आपका जो है एक्सीलरेशन जोन दोनों अलग अलग होता था एक्सीलरेशन जोन जो है आपका कितना होता था और ये एक्सीलरेशन जोन एक्सीलरेशन जोन जो होता है यह केवल और केवल किसमें होता था 4 into 100 मीटर में एक्सीलरेशन जोन दिया जाता था 4 into 400 में एक्सीलरेशन जोन नहीं होता था केवल एक्सचेंज जोन होता था तो ये जो था पहले क्या था पहले 30 सेंटीमीटर का क्या होता था आपका सॉरी 30 मीटर का 30 मीटर का क्या होता था आपका एक्सीलरेशन जोन सॉरी क्या होता था एक्सचेंज जोन होता था ठीक अब अब होने लगा है लेकिन 400 मीटर में तीस मीटर का एक्सचेंज जोन होता है ठीक है ना मतलब तीस मीटर रहेगा उसी तीस मीटर के अंदर आप एक्सचेंज जोन भी रहेगा आपका जोन भी रहेगा लेकिन हंड्रेड मीटर की बात करें तो हंड्रेड मीटर में टेन मीटर का क्या होता है 10 मीटर का आपका जोन होता है और आपका 20 मीटर का क्या होता है सॉरी 10 मीटर का क्या होता है एक्सीलरेशन जोन और आपका 20 मीटर का क्या होता है एक्सचेंज जोन होता है लेकिन अब क्या कर दिया है अब यह हटा के टोटल ही तीस मीटर का कर दिया है वह चाहे हंड्रेड मीटर हो और चाहे आपका क्या हो फोर इंटू फोर हंड्रेड हो तीस मीटर का कर दिया लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूजन जैसा आ जाता है कहीं कहीं एग्जाम में आज भी जो है ए, ये पुराना वाला पूछ लेता है कि एक्सीलरेशन जोन कितना होता है तो 10 मीटर अगर एक्सीलरेशन जोन नहीं पूछा है और ऑप्शन में आपका 30 है तो आप 30 आंसर करोगे किसके लिए एक्सचेंज जोन या एक्सीलरेशन जोन जब भी बात करेगा तो आप 30 मीटर करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत बार गलत भी हुआ है ठीक है ना चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस घटक है प्रक्रिया क्षमता गति पेशी सहन शक्ति चलिए गुड इवनिंग भैया ममता वर्मा लॉन्ग जंप में पांच सेकंड वेरी गुड पांच सेकंड लॉन्ग जंप के लिए होता है और दस सेकंड होता है हंड्रेड मीटर के लिए वेरी गुड सुप्रिया खुशी सर आज बहुत टाइम बाद आपकी क्लास हुई पेड़ पे भी बताई गई रिकॉर्डेड मिलेगी हां भैया पेड़ में भी यह रिकॉर्डेड क्लास आपकी मिलेगी बिल्कुल मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा यह पेड़ में भी आपको मिलेगी यह क्लास आपकी हर जगह जाएगी ठीक है ना चलो सुमन कुमार सिंह राधे राधे सर आज लेट हो गए कोई बात नहीं भैया चलो अगले क्वेश्चन की, की चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक है तो स्वास्थ्य संबंधी अब जब भी हम बात करेंगे आपकी कि स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस घटन क्या होता है स्किल संबंधित फिटनेस घटक क्या होता है इन सब की अगर मैं बात करूं तो देखो एक फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करते हैं कि देखो अब जो कंपोनेंट होते हैं जो फिजिकल फिटनेस होता है फिजिकल फिटनेस फिटनेस कंपोनेंट तो देखो ये जो होता है एक होता है हेल्थ रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड एक होता है स्किल रिलेटेड ठीक और आपका ये तो हेल्थ एक होता है फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट जिसमें पांच ही होंगे उसमें एजिलिटी को हटा दिया गया है फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट से तो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट और आपके क्या होते हैं आपके स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट होते हैं तो हेल्थ रिलेटेड की अगर मैं बात करूं तो देखो या फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट की बात करूं तो देखो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो जो मेन होता है फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट में वह आपके पांच होते हैं वह पांच कौन कौन से होते हैं तो वह होता है आपका स्पीड स्ट्रेंथ एंडोरेंस ठीक उसके अलावा होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ उसके बाद में एजिलिटी एजिलिटी ये यह आपके शारीरिक फिटनेस की बात करता है हाँ यह आपके शारीरिक फिटनेस कंपोनेंट की बात करता है अब अगर मैं बात करूं हेल्थ रिलेटेड की तो एक तो आपका होगा बी बॉडी मास इंडेक्स उसके अलावा आपका होगा क्या? शारीरिक संरचना ठीक है ना क्या होगा शारीरिक संरचना होगा इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से और क्या होगा तो यही चीज जैसे स्ट्रेंथ है तो मस्कुलर स्ट्रेंथ कर देंगे हम एंडोरेंस है तो मस्कुलर एंडोरेंस कर देंगे और फ्लेक्सिबिलिटी है तो फ्लेक्सिबिलिटी कर देंगे ठीक है ना तो यही आपकी कितने हो गई आपके पांच हो गए कितने हो गए पांच हो गए आपके क्या यह आपके हेल्थ रिलेटेड है ठीक है ना किसके हैं तो यह आपके हेल्थ रिलेटेड है अब अगर स्किल रिलेटेड की बात करें तो स्किल रिलेटेड में टोटल छे होते हैं कितने होते हैं छे होते हैं इसको आप याद रखना इसको कैसे याद रखोगे ए बी सी स्पीड से पढ़ क्या स्पीड से पढ़ ठीक पर ठीक तो पढ़ या पढ़ लिख दो तो मतलब ये ज्यादातर आपको स्किल रिलेटेड में ही कंफ्यूजन होता है याद रखना ठीक है ना आपका हेल्थ रिलेटेड में पूछेगा तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको हेल्थ रिलेटेड में आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई क्या करना है यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे लगा देना है मसल मसल स्ट्रेंथ मसल इंडोरेंस फ्लेक्सीबिलिटी बीएमआई, ठीक है ना उसके बाद बॉडी कंपोजिशन समझ में आ गया ये आपके पांच होंगे यहां लिख ही देते हैं ठीक बीएमआई हो गया बॉडी मॉस इंडेक्स ठीक ठीक तो यहां पे पे लिखो बीएमआई हो गया बॉडी मास इंडेक्स उसके बाद में आपका हो जाएगा एम एस लिख देता हूं एम ई e लिख देता हूं और फ्लेक्सीबिलिटी ठीक उसके बाद में आपका बॉडी मास कंपोजिशन सॉरी बॉडी कंपोजिशन बॉडी कंपोजिशन, ठीक उसके बाद में एबीसी ए फॉर क्या होगा एजिलिटी होगा क्या होगा एजिलिटी होगा ए फॉर ठीक बी फॉर क्या होगा बी फॉर होगा बैलेंस बैलेंस सी फॉर क्या होगा क्वारिनेशन क्या होगा क्वार ठीक एस फॉर क्या होगा एस फॉर होगा स्पीड है तो स्पीड ही होगा पर पीफार क्या होगा पावर पी फॉर क्या होगा पावर आर फार क्या होगा आर फार होगा रिएक्शन क्या होगा रिएक्शन तो यह आपका होता है ठीक तो यह आपका क्या होता है यह आपका पूरा हो गया तो हेल्थ रिलेटेड पूछा इसमें स्वास्थ्य से तो स्वास्थ्य से बात करें तो आपकी क्या है इसमें फिटनेस घटक है की बात करता है तो पेशीय सहन शक्ति होगी न कि गति होगी न कि चपलता होगा न कि प्रक्रिया समय होगा प्रक्रिया समय मतलब आपका जो भी है क्या नाम है आपका रिएक्शन टाइम वह क्या होगा यह आपका स्किल रिलेटेड है एजिलिटी क्या है आपकी स्किल रिलेटेड है आपकी गति क्या है यह गति भी आपकी क्या है स्किल रिलेटेड है ठीक है ना तो अब हम चलते हैं आगे की ओर ठीक चलिए आगे बात करते हैं तो इसका क्या होगा आंसर नंबर डी चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है व्यग्रता आक्रमकता जागृति एकाग्रता भैया दसवा क्वेश्चन में क्या दिक्कत है आपको उसका दस दशमलव पांच सात ही मीटर होगा भैया सुनीता कुशवाहा जी गुड इवनिंग चलिए सर क्या बीपीएड के बिना बीएससी में फिजिकल एजुकेशन है तो टीजीटी एल ग्रेड का फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या प्लीज सर क्लियर कर दीजिए नहीं भैया नहीं कर सकते उसके लिए बीपीएड कंपलसरी करता है बीपीएड डीपीएड सीपीएड होना चाहिए बीएससी के लिए वहां पे कहीं जिक्र नहीं है ठीक है ना सुनीता जी बीपीएड अनिवार्य है ठीक है चलिए नितिका तिवारी जी गुड इवनिंग जदवंशी एम्पायर हेलो चलिए भैया आगे बात करते हैं शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है अगर इसकी मैं बात करूं आप लोगों से कि तत्परता का जो विभिन्न स्तर है वह किसको दर्शाएगा दर्शाएगा तो याद रखना तत्परता की बात है आप तत्पर कब हो गए जब व्याग्रता होगी नहीं कभी नहीं होगा आक्रमकता कभी नहीं होगी एकाग्रता और जागृति ये दो चीजें होती हैं आप तत्पर तब होगे जब आप क्या हो गए जागृत हो गए आप क्या हो गए कॉन्सियस हो गए अनकॉन्सियस रहोगे तो नहीं होगा तो क्या होना पड़ेगा आपको जागृत होना पड़ेगा तत्परता के लिए मतलब कॉन्सियस होना पड़ेगा इसके लिए ठीक है ना चलो सब का ज्यादातर लोगों का आंसर डी आया है लेकिन इसका होगा जागृति एकाग्रता नहीं तत्परता के लिए आपको जागृति की कॉन्सियस की जरूरत होगी कॉन्सियस माइंड रहेगा तब आप तत्पर होगे किसी के लिए अनकॉन्सियस होगा तो नहीं कर पाओगे ठीक है ना एकाग्र बहुत हो आप लेकिन जब आपका ही नहीं काम है जब कॉन्सियस ही नहीं हो आप कुछ लोग होते हैं देखोगे दसो घंटे एकाग्र के बैठे रहेंगे लेकिन दिमाग में कुछ क्या नहीं है घुसता ही नहीं है क्यों क्योंकि आप तत्पर तो हो लेकिन क्या हो जब तक दिमाग आपका क्या नहीं होगा कॉन्सियस माइंड नहीं खुलेगा जब तक कॉन्सियस नहीं होंगे आप तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी हम्म एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है पूरा उगता सूरज पूरा उगता सूर्य एवं ग्यारहरा पांच छल्ले पूरा उगता सूर्य एवं पांच छल्ले बताओ क्या होगा एशियाई खेल की बात कर रहा है देखो अगर एससीआई खेलों की मैं बात करूं तो ये जो एससीआई खेल थे इनका आयोजन फर्स्ट बार पहली बार चार मार्च उन्नीस को कहां पे हुआ था नई दिल्ली में हुआ था ठीक इसके अलावा एशियन गेम के फादर किसको कहा जाता है इसका फादर किसको कहा जाता है तो याद रखना जी डी को जी डी को कहा जाता है इसका फादर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए एशियाई खेलों की गवर्निंग बॉडी जो होती है इसका पूछेगा एशियाई खेलों की गवर्निंग बॉडी कौन है एशियाई खेलों की गवर्निंग बॉडी कौन है तो याद रखना ओसीए है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसकी गवर्निंग बॉडी है और इसकी स्थापना उन्नीस में हुआ था किस सन में उन्नीस में इसका आदर्श वाक्य भी एग्जाम में पूछा गया है यूपीटीजीटी के एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है तो याद रखना ईवर ऑन वर्ल्ड ठीक इसके जो खेल का प्रतीक चिन्ह होता है उसमें आपका उगता सूरज इसके साथ ही साथ कितने होते हैं सर्कल ग्यारह सर्कल होते हैं सोलह किरण ग्यारह छल्ले पूरा उगता सूर्य एवं ग्यारह छल्ले होते हैं और ये जो सूर्य की किरण की अगर बात करें तो इसमें किरण कितनी होती हैं? सोलह किरणें होती हैं यह है आप क्या करेंगे याद रख गे, ठीक अगर मैं बात करूं कि आपकी पहली महिला भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने क्या की जीता था जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था तो वो है कमलजीत सिंधु इसके अलावा भी एशियाई खेलों के विषय में मैंने बहुत कुछ बताया है अगर इसके विषय में आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है आप जाके पढ़ सकते हो पूरी डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगा खेलों से हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक ठीक चलो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है प्रारंभिक वेग पर अंतिम वेग पर गतिवर्धन वेग पर अस्थाई वेग पर किस पर निर्भर करती है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है प्रारंभिक वेग पर अंतिम वेग पर गतिवर्धन वेग पर अस्थायी वेग पर किस पर निर्भर करती है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है यह हमेशा याद रखना किस पर निर्भर करती है उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है चलो डाइवलिंग थ्रो भाला फेग में सेक्टर का कोण होता है चौतीस दशमलव डिग्री अट्ठाईस दशमलव पंचानवे पैंतीस दशमलव पचास डिग्री बताओ जल्दी से जैवलिंग की बात करें तो जैवलिंग में पुरुषो आठ सौ मीटर सॉरी आठ सौ ग्राम सो सॉरी मेरे भाई आ, अभी इतना बोल दिए अब सब समझ रहा था कि ग्राम ही होगा लेकिन फिर भी देखना कुछ लोग कमेंट कर मारते थे थोड़ा बहुत कभी कभी जैसे बोलते बोलते झटके में बोल दिया ना कुछ चीजें सही बताया झटके में बोल दिया तो लोग उस पर भी कमेंट मार देते अरे भाई जब इतनी चीजें सही है तो कुछ चीजें क्या होता है कभी कभी निकल जाती है तो उसको थोड़ा सा अपने से भी समझने की चीजें होती है यह पुरुषों के लिए होता है क्या भाले का वजन महिलाओं के लिए भाले का वजन कितना होता है छह तो सौ ग्राम अब देखो यह बहुत एग्जाम में आ चुका है बहुत एग्जाम में आठ सौ ग्राम छह सौ ग्राम आ चुका है अब हो सकता है अब की बार भाले की लंबाई पूछे तो उसको याद रखना कि दो दशमलव छह जीरो से लेके दो दशमलव सात जीरो एन एम तक क्या होगा दो दशमलव सॉरी सात एम मतलब मीटर दो दशमलव सात जीरो मीटर क्या होगा पुरुषों के लिए ठीक और महिलाओं की बात करें तो दो दशमलव दो जीरो से दो दशमलव तीन जीरो कहीं कहीं आपको डबल जीरो भी लिखेगा उसका कोई मतलब नहीं है मीटर क्या होता है महिलाओं का क्या होता है लंबाई होता है तो इस लंबाई को जरूर याद रखना इसका सेक्टर जो होता है सेक्टर का चौड़ाई कितना होता है तो सेक्टर की चौड़ाई की बात करें तो चार मीटर होता है जो सेक्टर होता है वह चार मीटर चौड़ा होता है अगर इसका एंगल की बात करें कोण की बात करें तो कोण कितना होगा अट्ठाईस दशमलव नौ होता है यहां पे नौ पांच दिया हुआ है तो नौ पांच या नौ मेन होता है अट्ठाईस दशमलव नौ मीटर होता है रनवे कहीं कहीं ये अट्ठाइस दशमलव नौ छह दे के डिग्री भी देता है तो अगर 29 डिग्री है 28.95 या 96 नहीं है 29 डिग्री है तो आप 29 डिग्री भी सही करोगे ये नहीं कहोगे कि क्वेश्चन ही गलत है ठीक <coughs> है ना ये याद रखना <coughs> कहीं कहीं ऐसा कंफ्यूजन में डाला है लोगों को रनवे की बात करें तो रनवे होता है तीस से लेके छत्तीस पांच मीटर तक इसका रनवे होता है मतलब जो दौड़ के आते हैं भाले को फेंकते हैं ठीक है ना अगर बात करें नीरज चोपड़ा भारत के पहले एथलीट है जिन्होंने जेवलिंग में मेडल पाया और वह मेडल पहली बार पाए थे और उन्होंने गोल्ड पाया था 2020 में पहले एथलीट है जो कि लगातार दो ओलंपिक में क्या मेडल हासिल करने वाले हैं वो पहले एथलीट हैं जो क्या गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल हासिल कर चुके हैं इसके अलावा डायमंड लीग में भी आप देखेंगे अभी कुछ दिन की बात है वहां पे भी उन्होंने क्या सिल्वर मेडल हासिल किया मात्र एक मीटर से वो क्या हो गए एक सेंटीमीटर से चूक गए ठीक है ना जिससे उनको सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा तो चलिए चलते हैं आगे अगर आपको देखना होगा कि डायमंड लीग मतलब लीग क्या होती है तो डायमंड लीग के भी विषय में बता देंगे आपको कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है उपयोगितावाद आदर्शवाद यथार्थवाद अस्तित्ववाद बताओ कौन सा दर्शन है हाँ आकाश भाई चलो तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से उपयोगितावाद आदर्शवाद यथार्थवाद अस्तित्ववाद इन सब की अगर मैं बात करूं तो आपसे जरूर यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्षण भंगुरतावाद ये सारे जितने भी होते हैं इन सब से आपको जरूर पूछा जाता है और ये सब किसके हैं फिलॉसफी के हैं फिलॉसफी भी आप में थोड़ा सा पूछा जाता है ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है लेकिन थोड़ा बहुत पूछा जाता है मैंने आपको बताया था आदर्शवाद की जब भी बात की जाएगी तो मैंने बताया था जो आदर्श लोग होते हैं वो प्लेट में क्या लाते हैं मीठा उठा लाते हैं जब किसी के घर जाओगे एक लोटा पानी मांगोगे तो वो क्या करेंगे वो प्लेट में लेके आते हैं सजा के बकादा मिठाई उठाई तो वो जो आती है ना या मान लो तुम्हारे देखने वाले आए घर पे तो तुम्हारा आदर्श क्या आएगा हाँ तुम्हारे घर का आदर्श होगा कि ले जाओ हाथ में रख दो की ले भैया देखने आए हो मुझको हाँ लड़का मैं यूं ले हाथ में पानी पी ले अच्छा तो करोगे नहीं बढ़िया जिस दिन तुम भी एकदम सजे बजे रहोगे हाँ एकदम तेल काजर किए रहोगे और घर में भी क्या होगा खूब मिठाई उठाई आएगी ले जाके भाई लड़के को देखने वाले ही आ रहे हैं तो वही बात है आदर्शवाद तो प्लेट से याद रखना प्लेटो क्या प्लेट से प्लेटो प्लेटो क्या है आदर्शवाद की फिर अगर मैं बात करूं आपकी कि व्यवहारवाद तो व्यवहारवाद के जनक कौन है व्यवहारवाद को हम प्रयोजनवाद भी कहते हैं इसे प्रगेमेटिज्म भी बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रगेमेटम भी, भी बोलते हैं अगर इसकी मैं बात करूं कि इसके कौन है तो याद रखना प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद की जब भी बात की जाए तो जॉन डीवी क्या जॉन डीवी जॉन डीवी ये जो जॉन डीवी है ये किसके हैं यह आपके व्यवहारवाद के किसके व्यवहारवाद के ठीक अब अगर मैं बात करूं प्रकृतिवाद की तो यह जो प्रकृतिवाद है प्रकृतिवाद कौन? प्रकृतिवाद या नेचर की बात जब भी आएगी न्यूचुरिज्म की बात आएगी तो वहां पे क्या आएगा वहां पे आएगा रूसो कौन आएंगे रूसो ठीक उसके बाद में यथार्थवाद की बात आएगी कि यथार्थवाद कौन है तो यह है यथार्थ सत्य है कि फिलॉसफी हो या कोई भी किसने दिया है अरस्तु नहीं दिया है तो याद रखना अरस्तु से यथार्थ याद रख लो कोई भी चीज होती है यथार्थ रियलिज्म की बात करता है यह करता है ठीक है ना उसके बाद में अगर मैं आपसे और बात करूं कि आपकी उपयोगितावाद क्या है आपका जो उपयोगितावाद है यह उपयोगितावाद क्या है तो उपयोगितावाद की जब भी बात करोगे कि उपयोगितावाद क्या होता है तो जो प्रगेमेटिज्म की बात करता है वही उपयोग की बात करता है मतलब जो आपका क्या है व्यवहारवाद है जो आपका उपयोग की बात कर रहा है वही आपकी किसकी बात करेगा इसकी भी बात करेगा ठीक है ना तो उपयोगितावाद दर्शन जो होता है वह अनुभव को जीवन की सफलता मानता है जो उपयोग करोगे वही ना चलोगे तो याद रखना ठीक चलो समझ में आ गया आगे बात करें तो यह है उपयोगिता वाद ठीक किसी को कोई समस्या हो तो बता देना किसी को कोई समस्या हो तो बता देना चलो शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है किसका है स्वास्थ्य संबंधी क्षमता का गामक क्षमता का आदर शरीर संघनता का सरोज शरीर प्रतिबिंब का किसका है तो याद रखना अभी थोड़ी देर पहले बनाया बताया था क्या है स्वास्थ्य संबंधी क्षमता का स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट होता है कौन शरीर रचना जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण में कौन संबंधित नहीं है फील्ड गोल स्पीड परीक्षण बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी ड्रिवल या पैनिक अप टेस्ट बताओ देखो अगर जॉनसन बास्केटबॉल प्रशिक्षण की बात करते हैं तो इसमें फील्ड गोल स्पीड परीक्षण होता है बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी होता है ड्रिबल होता है लेकिन पैनिकअप टेस्ट नहीं होता पैनिकअप टेस्ट होता है आप क्या किसके लिए होता है या सामंजस्य के लिए होता है कोऑर्डिनेशन के लिए होता है किसके लिए सामंजस्य के लिए होता है अब हमें आप कमेंट करके बताना कई बार मैंने बताया है कि पैनिकअप टेस्ट किस टेस्ट से संबंधित है बताओ वैंगन वाइल्ड प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है नॉकआउट प्रतियोगिता लीग प्रतियोगिता कम्बिनेशन प्रतियोगिता या चैलेंज प्रतियोगिता ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाई जोड़ो इस तरीके से मजा आता नहीं है ठीक है ना यही सब स्थिति देख के तो फिर क्या करता है फिर मन नहीं करता मेहनत करने का कि हम करें मेहनत और आप लोग क्लास को ना शेयर करें ना कुछ करें तो फिर क्या फायदा है हु? ना लाइक करें ना शेयर करें क्लास को तो फिर मजा नहीं आता फिर मेरा भी क्या होता है मन एक तरीके से उदास हो जाता है ठीक है ना तो हम भी सोचते हैं चलो ठीक है ना क्योंकि देखो जायज सी बात है आदमी मेहनत करता है सबकी कुछ ना कुछ चाह होती है इच्छा होती है आप मेहनत करते हो रिजल्ट के लिए हम मेहनत करते हैं आप ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे सीखेंगे हाँ लेकिन आप लोग जब नहीं पढ़ा बत, क्लास को शेयर करोगे तो मजा नहीं आता है ठीक है ना तो अगर मैं बात करूं कि वेंगल वाइल्ड प्रतियोगिता किससे संबंधित है तो यह प्रतियोगिता आपके नॉकआउट प्रतियोगिता से संबंधित है किससे संबंधित है नाट आउट प्रतियोगिता से संबंधित है. है? है आप लोगों की ठीक है ना चलो आगे बात कर ले हम तो अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं तो ये जो टूर्नामेंट का टॉपिक है तो देखो आपके क्या होते हैं आपके सिंगल नॉकआउट होता है सिंगल नाकआउट जो एक बार टीम खेल लेती है वो दोबारा नहीं खेलती है उसके बाद में कंसोलेशन नाकआउट होता है कंसोलेशन नाकआउट आपके दो प्रकार के होते हैं टाइप ए और टाइप बी जिसमें एक में होता है सिंगल एलिमिनेशन और दूसरे में क्या होता है सांत्वना पुरस्कार जो चैंपियंस जीतने के लिए अवसर मिलता है उन लोगों को डबल नाकआउट होता है जिसमें हारने वाली टीम को एक और मौका दिया जाता है उसके बाद में बैंगन वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है जो यह टूर्नामेंट उट श्रेणी के बीच में क्या होता है सही माने में पहला दूसरा और तीसरा फैसला करने के लिए होता है जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन तीनों को जब निकालना होता है तो इस विधि का हम प्रयोग करते हैं वैगनर, वाइल्ड की बात करते हैं ठीक है ना <laughs> लीग टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो इसको क्या कहते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं इसको बर्गर टूर्नामेंट कहते हैं याद रखना ठीक अगर इनकी मैं बात करूं तो इस टूर्नामेंट को इसकी पिक्चर ड्रा करने के लिए तीन विधियां होती हैं यह विधियां अक्सर पूछता है साइक्लिंग मेथड स्टेयर केस मैथड और टेबुलर मेथड ये आपकी अगर कंबिनेशन टूर्नामेंट की बात करें तो कम्बिनेशन टूर्नामेंट आपके चार प्रकार के होते हैं नॉकआउट कम लीग लीग नॉकआउट कम नॉकआउट लीग कम लीग और लीग कम नॉकआउट चैलेंज टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो चैलेंज टूर्नामेंट आपका लेडर मेथड होता है पिरामिड मेथड होता है कॉवेब होता है ये आपके क्या होते हैं चैलेंज टूर्नामेंट होते हैं चैलेंज टूर्नामेंट जो होता है वह होता है जैसे कि जो सिंगल गेम्स होते हैं उनके लिए होता है ठीक तो इस तरीके से चलो बहुत दिनों से आप लोगों की ख्वाहिश आ रही है कि टूर्नामेंट पढ़ा दें टूर्नामेंट भी सोच रहे हैं एक दिन में एक ही क्लास में समाप्त कर दे जैसे स्पोर्ट ट्रेनिंग स्पोर्ट टेस्ट एंड मेजरमेंट डोपिंग योगा ये सब जैसे खत्म कराए हैं उसी तरीके से सोच रहे हैं कि एक ही क्लास में आप लोगों को टूर्नामेंट भी खत्म ही करा दें एक बार ले आके जांग के सामने की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है लचदार मांसपेशी सोलियस बताओ ये तो मैंने क्लास करा रखी है मैं मस्कुलर सिस्टम की क्लास करा रखी है फ्री ऑफ कास्ट में आप जाके देख सकते हो ठीक है ना चलो जांग के सामने की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखना जो होती है इसको हम किसको कहते हैं जो होती है जिसमें चार मांसपेशियों का समूह होता है और वो आपकी क्या होती है थाई के सामने होती है अगर थाई के पीछे बात करें कि पीछे कौन सी होती है तो आपकी क्या होती है जो हेमेस्ट्रिंग होती है वह आपकी कहाँ होती है थाई के पीछे होती है याद रखना चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक फुटबॉल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमान्य है दो तीन चार इनमें से कोई नहीं कितने टाइम आउट दिया जाता है फुटबॉल मैच में फुटबॉल की बात कर रहा है भाई मेरे अगर फुटबॉल की बात करें तो ये जो फुटबॉल होता है इसका मैदान कितना होता है 90 से 120 मीटर होता है चौड़ाई 45 से 90 मीटर तक होती है लाइन की मोटाई अक्सर पूछ लेता है तो याद रखना 12.5 सेंटीमीटर या 5 इंच होती है ठीक है ना सेंटर सर्कल जो होता है वह होता है नौ मीटर या दस यार्ड का होता है जो आपका गोल एरिया होता है वह कितना होता है तो याद रखना 20 इंटू सिक्स यार्ड का होता है 20 इंटू सिक्स यार्ड आपका गोल एरिया होता है इसके अलावा पेनाल्टी एरिया की अगर बात करें तो वह कितना होता है तो बीस दुना चालीस चार चौवालीस मान लेना इसको चौवालीस इंटू अट्ठारह होता है छत्रह ठीक उसके बाद में पेनाल्टी स्पॉट कितनी दूरी पे होता है तो ग्यारह मीटर की दूरी पे होता है या बारह यार्ड की दूरी पर होता है पेनाल्टी या स्पॉट से कितनी दूरी पे होता है तो दस यार्ड रेडियस का होता है यह या अभी याद रखना कार्नर जो होता है वह कितना होता है तो याद रखना दसमलव नौ एक चार मीटर होता है ठीक है ना ये सब चीजें बाल का वजन कितना होता है तो बाल का वजन जो होता है तीन सौ से लेके चारो चौवन ग्राम होता है अगर औंस में पूछे तो औंस में चौदह से लेके सोलह औंस होता है यह भी याद रखना अगर आपका गोल पोस्ट पूछे कि गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है तो गोल पोस्ट की ऊंचाई आठ फीट होती है अगर मीटर में पूछे तो दो दशमलव चार चार मीटर होती है अगर चौड़ाई पूछेगी इसकी चौड़ाई कितनी होती है तो याद रखना सात दशमलव तीन दो मीटर होता है और आठ तिर चौबीस क्या होगा चौबीस फीट होता है याद रखना क्योंकि आठ यार्ड होता है आठ फीट और आठ यार्ड होता है याद रखना मैच की अवधि कितनी होती है तो पैंतालीस पैंतालीस मिनट के दो हाफ होते हैं टोटल नब्बे मिनट का मैच होता है और पंद्रह मिनट का इन दोनों के बीच में क्या होता है मध्यांतर होता है लेकिन बीच में किसी भी प्रकार का कोई टाइम आउट नहीं होता है यह या याद रखना तो इनमें से कोई नहीं चलो ट्रिपल जंप के रनवे का न्यूनतम लंबाई कितना होता है चालीस मीटर 46 मीटर पैंतीस मीटर तीस मीटर ट्रिपल जंप की बात कर रहा है त्रिकूद जिसको बोलते हैं उसकी बात कर रहा है तो ट्रिपल जंप की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लैंडिंग एरिया होती है याद रखना सबसे पहले इसकी लैंडिंग एरिया जो पिट होती है वह कितना होता है तो पिट आपकी 9 मीटर से लेके आपकी 2.75 से 3 मीटर तक होती है कितनी होती है कहीं कहीं आपको 2.75 भी देखने को मिल जाएगा कहीं कहीं तीन मीटर भी मिल जाएगा तो नौ इंटू तीन मीटर याद रखना अब पूछता है टेका बोर्ड से सॉरी अब आपका अगर यह पूछता है कि आपका जो ऑफ बोर्ड होता है ठीक क्या पूछेगा आपका जो ऑफ बोर्ड होता है वह कितनी दूरी पर होता है गड्ढे से तो याद रखना पुरुषों के लिए अलग होता है महिलाओं के लिए अलग होता है और यह अक्सर पूछता है इसमें टेक ऑफ बोर्ड और यह जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना गड्ढे से गड्ढे से पुरुषों की अगर बात आएगी तो पुरुषों के लिए यह होता है भाई मेरे तेरह मीटर की दूरी पर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए होता है ग्यारह मीटर की दूरी पर ठीक है ना अगर आपसे पूछ ले कि ये जो होता है यह आपका जो प्लास्टिक इंडिकेटर जो होता है अः यह प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है तो याद रखना उसकी लंबाई प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड की लंबाई 1.22 जितना आपका क्या होता है आपका जो एक तरीके से लेन होता है वो उतना ही मान के चलो और चौड़ाई कितना होता है इसका दस सेंटीमीटर यह चौड़ा होता है ठीक और अगर आपसे यह पूछ ले कि जो आपका क्या होता है रनवे होता है वह रनवे कितना होता है तो याद रखना रनवे जो होता है इसका चालीस से पैंतालीस मीटर का रनवे होता है इसके अलावा सबसे पहले ये इसमें एक चीज और पूछता है जो कि अक्सर आपके यूपी टीजीटी का यह नियम होता है यूपी टीजीटी में स्किल से जरूर क्वेश्चन पुछ पूछा जाता है पिछली बार भी खूब पूछा गया था तो अब की बार यह भी पूछता जंप में कौन कौन से स्किल होती हैं या कौन कौन से फेजेस होते हैं फेजेज जरूर पूछे जाते हैं तो इसमें जो फेजेज होते हैं वह फेजेज आपकी क्या होती है सबसे पहले क्या अप्रोच रन अप्रोच रन अप्रोच रन के बाद अगर मैं बात करूं तो फिर क्या होगा टेक ऑफ टेक ऑफ फिर क्या होता है होप इसमें कभी कभी सिक्वेंस मिलाने को भी दे देगा कि किसके बाद क्या आएगा होप होप के बाद क्या होगा स्टेप और स्टेप के बाद क्या होगा जंप एंड जंप के बाद क्या होगा लैंडिंग ठीक तो इस प्रकार से यह होगा सबसे पहले क्या अप्रोच रन फिर टेक ऑफ फिर होप स्टेप जंप और लैंडिंग यह इस प्रकार से होता है मेरे भाई ठीक है ना चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब वस्तु का आयाम अधिक होगा वस्तु का भार कम होगा वस्तु का भार अधिक होगा वस्तु का आयाम कम होगा बताओ जल्दी से देखिए अभी जो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग सो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप सोइए मत आप मेरे भाई सोइए मत क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है अगर आप सोए तो खोए बाद में फिर वही है कि अब पस्ताते का जब चिड़िया चुक गई खेत और बाद में काश हो जाता कर लेते तो फिर समझ में आएगा तो हर बार जो एग्जाम में गलती करते हो कि कास वाला जो समस्या होता है वो जो बार बार आपके जिंदगी में आ रहा है उस जिंदगी से कास को निकालिए और अपनी तैयारी में लग जाओ मेरे भाई अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो ठीक है ना चलो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब वस्तु का आयाम अधिक होगा वस्तु का भार कम होगा वस्तु का भार अधिक होगा वस्तु का आयाम अधिक होगा तो देखो एक छत पे जाओ वहां से अधा लो एक किलो का ईट लो और एक कागज का टुकड़ा लो दोनों को छोड़ो तो धरती पे पहले कौन गिरेगा जिसका भार अधिक होगा मतलब उस पर गुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा यह क्या होता है यह जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भार के गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके भार के ठीक है ना चलिए अब गुरुत्वाकर्षण बल कहते किसके हो इसकी परिभाषा भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है तो क्या बताओगे दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाति होता है इस यही स्टेटमेंट पूछ सकता है इस स्टेटमेंट से यह पूछ सकता है कि वह किसके गुरुत्वाकर्षण किसके व्युतक्रमानुपाति होता है तो याद रखना उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा पूछेगा किसके अनुक्रमानुपाती होता है तो वस्तु के भार के क्या द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है जो द्रव्यमान है जो वस्तु का भार है उसके क्या होगा उसके अनुक्रमानुपाती होता है यह आप क्या करना मेरे भाई याद करके रखना कुछ भी पूछ सकता है ठीक निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है नियोजन यूनियन नेतृत्व निर्देशन समन्वय बताओ भाई क्या होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है तो देखो नियोजन मतलब योजना को बनाना बिल्कुल है निर्देशन भी है और समन्वय भी है लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से नेतृत्व तो की अगर हम बात करें तो नेतृत्व तो होगा क्या तो नेतृत्व तो होगा क्या तो आप क्या बताओगे कि क्या नहीं होगा तो याद रखना क्या नहीं होगा तो आपका यूनियन का नेतृत्व तो नहीं होगा अब अगर प्रबंधन के कार्य की मैं बात करूं भैया जब छह दिया होगा आलोक मिश्रा जी जब छह दिया होगा तब ना मेरे भाई चारे दौड़ते हैं एक हंड्रेड मीटर दौड़ता है दूसरा फिर हंड्रेड दौड़ता है तीसरा फिर हंड्रेड दौड़ता है चौथा फिर हंड्रेड दौड़ेगा जब अगर बात करें तो एक्स्ट्रा को नहीं ऐड किया जाता है। मेरे भाई यही चार दौड़ेंगे हंड्रेड हंड्रेड मीटर करके तो चार सौ मीटर हो जाता है अगर मैं फोर इन फोर हंड्रेड की बात कर लू तो उसमें भी क्या होता है हंड्रेड हंड्रेड दौड़ाना ये हंड्रेड मीटर ये दौड़ा हंड्रेड मीटर ये दौड़ा हंड्रेड मीटर ये दौड़ा हंड्रेड मीटर फोर हंड्रेड में भी एक फोर हंड्रेड दौड़ेगा दूसरा आएगा दूसरा फोर हंड्रेड दौड़ेगा तीसरा आएगा तीसरा फोर हंड्रेड दौड़ेगा चौथा आएगा चौथा फोर हंड्रेड दौड़ेगा यही चार होते हैं भैया मेरे अब छो को कहाँ दौड़ा देंगे आलोक जी आलोक जी छह को कहाँ दौड़ा देंगे मेरे भाई ये बता दो और देखो अब जो आप बोल रहे थे कि आपका जो क्या कहते हैं और आपको क्या दिक्कत था आपने जो कहा कि स्ट्रैगर की बात तो स्ट्रैगर निकालने के लिए जब भी रिले रेस की बात होगी तो रिले रेस का स्ट्रैगर निकालने के लिए आप क्या करते हो कि कैसे निकालोगे होर इंटू फोर हंड्रेड रिले की बात करें तो इसका स्ट्रैगर इस कैसे निकालते हैं हम्म तो स्ट्रैगर इस निकालने के लिए आप क्या करते हो माइनस डी एस इंटू फुल उसके बाद अपान T T का क्या होता है जो कर्व होता है उसकी दूरी DS मतलब उस लेन में जो स्क्रेच लाइन है उस कर्व की पूरी दूरी और फुल स्ट्रेगर डब्ल्यू एन माइनस वन माइनस टेन क्या टू फाइव बॉर्डर ट्रैक के लिए यह होता है जब बॉर्डर ट्रैक रहेगा तब उसके लिए यह आपका क्या होता है फार्मूला होता है मेरे भैया ठीक है ना तो इसको अगर आप देखोगे तो यह इसी तरीके से होता है स्ट्राइगर का फार्मूला ठीक है ना आप 400 मीटर स्ट्राइगर की बात कर रहे होगे तो 400 मीटर अगर स्ट्राइगर अलग होता है जब रिले की बात करोगे तो वहां पे स्ट्राइगर अलग होता है मेरे भाई ठीक है ना और जो क्वेश्चन हमेशा जो ऑप्शन में दिया रहता है उसके हिसाब से हम चलते हैं ठीक है ना ठीक अरे मेरे भाई छह प्लेयर एक्स्ट्रा नहीं हम जोड़ेंगे चार की बात हुई जब छह देगा तब ना हम जोड़ेंगे प्लेयर की बात हो रही है कि कितने प्लेयर एक टीम में कितने होते हैं आप बताओगे छह को कहाँ दौड़ाओगे एक बार मुझे बताओ ना हम्म छह जो आप दो एक्स्ट्रा बता रहे हो छह को कहा से दौड़ा दोगे ये तो बता दो हम्म भाई मेरे यही होता है इन्हीं सब चीजों की वजह से कभी कभी क्यों गलत हो जाता है अब आप अगर कह दोगे पूछेगा कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं तो आप बोलोगे कि 16 प्लेयर होते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत फुटबॉल में कितने प्लेयर होगा तो बताओगे ग्यारह में कितना प्लेयर होता है तो बताओगे अगर आप यह पूछ लेगा मेरे भाई हॉकी में कितने प्लेयर तो सात ही खो खो में कितने प्लेयर नौ ही, में कितने प्लेयर ही। जब आपसे एक्स्ट्रा प्लेयर की बात करेगा मेरे भाई तब हम कहते हैं कि हाँ छह प्लेयर होते हैं ठीक है ना चलो वो हम भी जानते हैं मेरे भैया कि छह प्लेयर होते हैं स्ट्राइकर के लिए फार्मूला बता दिए उससे निकाल लेना नहीं आएगा तो फिर बता देंगे दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है कंसेंट्रिक सेंट्रिक स्टैटिक और नो नो no कंट्रैक्शन बताओ आलोक मिश्रा जी भैया उसने छ को माना कह देंगे तो हर हर क्वेश्चन का अलग अलग होता है यूपी आंसर कुछ मानती है एम कुछ मानती है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस, जिसको डीएसएसबी एस केवीएस एन अलग मानती है यूपी अलग मानती है उसका तो आयोग के अनुसार चलोगे मेरे भाई तो ज्यादा बेटर होगा अगर अपने से वो करोगे तो कहीं कहीं फिर दिक्कत में आ जाती है चीजें ठीक है ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है यह बात प्लूटो सॉरी यह बात अरस्तु और प्लेटो दोनों की बातें हैं अब कहीं प्लेटो को मानता है कहीं अरस्तु को मानता है हम्म तो अगर बात करोगे आपका किसको अगर आप बात करोगे इसका क्या नाम है आपका यूपीटीजीटी तो यूपी टी, टी अरस्तु को मानता है केबीएस एनबीएस डी एस बी की बात करोगे तो वहां प्लेटो को मानता है तो चीजें हर जगह वही क्वेश्चन के दो आंसर हो जाते हैं हम्म, ठीक है यूपी टीजीटी चीज नहीं मानता मेरे भाई वो देखो वो क्या माना है इसीलिए उसपे ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पे पड़ा होगा वही चीज बोले ना डी ट्रिपल एस बी के बी एस एमबीएस उसको प्लेटो मानता है यूपी जो है मानता है तो वही चीजें हैं कुछ और क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं बताएंगे तो एक दिन हम पूरा डाउट वाले ही क्वेश्चन ले आएंगे ऐसे क्वेश्चन हम नहीं पूछे जाते हैं ठीक चलो दीवार को धक्का देना मैंने क्या बोला कि आप ऑप्शन से जाओगे जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आपको काम करना है दीवार को धक्का देना क्या होगा तो दीवार को धक्का देना स्टैटिक होगा ठीक है ना स्टैटिक होगा चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्ति समय है जब नाड़ी की गति नीचे आती है मतलब आपके नाड़ी की जो गति है वह कितनी होती है अंतराल प्रक्षण में इंटरवल ट्रेनिंग है इसके कौन है इंटरवल ट्रेनिंग इंटर हो गया इंटरवल हो गया चलो क्या करो घर चल गैस चल और केलाला, ठीक अब देखो यहाँ पे दो चीजें आपको कंफ्यूज करेंगे कहीं कहीं आपने विकले पढ़ा होगा कहीं कहीं आपने गैस चलर को पढ़ा होगा रंजले एवं गैसलर को तो याद रखना जब विकले ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप क्या करोगे रंजले एवं गैसचलर इसी क्वेश्चन को वो दो रूपये में पूछेगा क्योंकि कहीं कहीं वहां पे क्या होता है बिकले होता है और कहीं कहीं क्या होता है होता है तो अगर बिकले ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप रेंजले करोगे लेकिन अगर बिकले ऑप्शन में है तो आप रेंजले एवं गैस सेलर को छोड़ के आप बिकले को क्या करोगे टिक करोगे ठीक है ना इससे क्वेश्चन ये सब होते हैं ठीक तो अगर इसकी मैं बात करूं कि आपकी हृदय की धड़कन कितनी होती है कितनी तक आ जाती है कि आप पुनः कार्य करना शुरू कर देते हो मतलब कहां तक आती है ठीक इंटरवल प्रोसेर में क्या होता है हृदय दर, दर एक, एक नीचे आता है कुछ उसके बाद आप क्या करते हो पुनः कार्य करना शुरू कर मतलब 120 से 140 धड़कन पर मिनट जहां पहुंची तहा आप पुनः क्या कर देते हो कार्य को चालू कर देते हो ठीक समय में आ गया चलो क्या नहीं फ्रेस दिख रहा भैया मुझे तो फ्रेश दिख रहा है आपको कैसे नहीं फ्रेश दिख रहा है लो फ्रेश नहीं दिख रहा है तो और लो और बढ़ा कर दें लो आप फ्रेश दिख रहा है कृपया करके आप लोग थोड़ा सा अपना क्या करा करो अपना जो मोबाइल का थोड़ा सा डाटा है वो थोड़ा बढ़ा लिया करो मतलब जो आपका पिक्सल है वो थोड़ा बढ़ा लिया करो चलो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है किसकी बात कर रहा है व्यक्तित्व का घटक नहीं है गोविंद यादव रजनीश कुमार कृष्णपाल मधु यादव यादव अमन यादव अर्जुन सौ ममता वर्मा सत्यवीर कुशवाहा गीता देवी प्रियंका कुमारी रजनीश कुमार काजल गुप्ता कृष्णपाल चल बताओ निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है तो तो व्यक्तित्व का घटक कौन सा नहीं है शारीरिक नहीं है मानसिक नहीं है धार्मिक नहीं है सामाजिक नहीं है तो याद रखना धार्मिक जो होता है यह व्यक्तित्व का घटक नहीं होता है शारीरिक होता है मानसिक होता है सामाजिक होता है यह तीनों तो होता है सत्यवीर तो कुशवाहा आपने क्या कमेंट किया था मेरे भाई फिर से कर दो नहीं दिखा तो फिर से कर दो भाई देख लें क्या आपने किया था धार्मिक धार्मिक नहीं होगा चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है सविस्तार अध्ययन गहरा अध्ययन क्रम तर्क शुद्ध अध्ययन पूर्ण अध्ययन चलो शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है तो याद रखना क्या होगा इसमें क्रमबद्ध एवं तर्क सुत शुद्ध अध्ययन जो होता है जो रिसर्च होता है वह जो होता है वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग होता है ठीक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29 नंबर सर्वप्रथम इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता किस देश में प्रारंभ हुई सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका इंग्लैंड भारत क्या होगा अब आप लोगों को ये मैं क्लास कराऊंगा इसमें दस क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके हम आंसर नहीं बताएंगे उन दस क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी पीडीएफ दे दी जाएगी आप उसमें अपने से आंसर करोगे ठीक है ना अब इसी तरीके जैसे होमवर्क नहीं दिया जाता इस तरीके से आपको होमवर्क डेली दस क्वेश्चन का दिया जाएगा आपसे स्वयं से, से करने के लिए और उस उन सब का आंसर आपको लास्ट में उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा ठीक है ना यह डेली आपके साथ ऐसा किया जाएगा जो क्लास होगी पब्लिक इस क्लास में डेली आपके साथ ऐसा किया जाएगा ठीक है ना चलो किस देश में तो याद रखना, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। ठीक? क्या होता है? जो चार दीवारी के अंदर होती है मतलब जैसे एक ही स्कूल के अंदर एक ही स्कूल के कई हाउस बनते हैं ना उन हाउसेस के बीच में हो किसी दो वर्ग के बीच में हो दो कक्षाओं के बीच में हो ये जो होती है उसी को इंट्रा म्यूरल कहते हैं और एक्स्ट्रा म्यूरल क्या होता है जो दीवार के बाहर मतलब जैसे आपका क्लस्टर होता है जैसे आपका क्या होता है सीबीएसई का क्लस्टर होता है इसके अलावा मंडल होता है आपका स्टेट होता है मतलब जब कई स्कूलों का एक साथ होता है उसको बोलते हैं ठीक चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन हथेली के नीचे की ओर घुमाने को क्या कहते हैं इमर्जन एक्जर, एक्जर्सन प्रोनेशन सुपाइनेशन हथेली को नीचे की ओर और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा इसके साथ ही साथ आप लोगों को नीचे 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे 10 से 12 क्वेश्चन उसको आप आंसर अपने से करोगे ठीक है ना तो चलो हथेली को नीचे की ओर घुमाना क्या कहलाता है आपका वह कहलाएगा आपका प्रोनेशन क्या कहलाएगा प्रोनेशन हथेली का नीचे की ओर और, और हथेली का ऊपर हथेली का ऊपर ऊपर घुमाना क्या कहलाएगा सुपाइनेशन तो याद रखना स्वर से से सोना जैसे सोते हो तुम चेहरा ऊपर पीठ नीचे तो वो सुपाइनेशन हो जाएगा चेहरा नीचे पीठ ऊपर तो वो प्रोनेशन हो जाएगा ठीक उसी प्रकार से हाथ हाथ जब क्या होगा हाथ की हथेली ऊपर की ओर होगी तो उसे क्या कहेंगे हम सुपाइनेशन हाथ की हथेली जब नीचे चली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे प्रोनेशन कहते हैं तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे ठीक है ना और ये आपका इतने क्वेश्चन आपको कितने क्वेश्चन है आपके 48 मतलब 30 हुए 18 क्वेश्चन आपके जो हैं आपके लिए हैं आप इसका आंसर आप करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आप लोगों से तो टेलीग्राम चैनल के साथ ही साथ आप चैनल को ज्वाइन कर लें यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक तो चलिए आज की क्लास ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन आप इसको देखिएगा आप करिएगा इस पीडीएफ को आप लेके तब तक के लिए अब कल फिर आपकी अगली क्लास होगी तब तक के लिए लेते हैं विदा जय जय हिंद भारत स्वस्थ मस्त रहिए इसके अलावा जो लोग स्वतंत्रता बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी लोग यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं एल की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआर फोर की तैयारी कर रहे हैं तो वो स्वतंत्रता बैच ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ नाइन सिक्स टू एट नाइन फाइव नाइन टू थ्री सेवन पे या एट थ्री वन एट फोर एट नाइन टू नाइन वन पे संपर्क कर सकते हैं आप मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारी संस्था आपसे संपर्क कर लेगी एवं जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा लें जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सर्वप्रथम मिल जाए जिससे कि आप क्लास के साथ जुड़ सकें और आप हमारे साथ जुड़ सके और अपने तैयारी को बेहतर कर सकें तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे तब तक के लिए लेते हैं विदा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करिएगा थैंक यू धन्यवाद जय हिंद गुड नाइट रात्रि।